नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 2 जनवरी शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रविवार 3 जनवरी सुबह 8:22 तक पूष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। इसी दिन 1968 में देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण किया गया। गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा 3 जनवरी 2006 में की थी। इसी दिन 2002 में भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। नववर्ष के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल के दरबार में लाखों लोगों ने दर्शन कर नए साल में खुशियों की कामना की। प्रत्येक खासो आम की दर्शन श्रृंखला में कई वीआईपी ने भी राजाधिराज के दरबार में हाजिर होकर दर्शन लाभ लिए। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी रात 9 बजे उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 किसानों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अब प्रदेश का किसान अपनी फसल एमआरपी मूल्य पर बेच सकता है। साथ ही प्रदेश में लव जिहाद कानून जल्द बनाए जाने की भी मांग की। लव जिहाद कानून इसलिए बनाया है कि लोग प्यार के चक्कर में हमारी बेटियों को फंसा लेते हैं और शादी करके उसके बाद में बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनके साथ छोड़ दिया जाता है उनको, और फिर वो जीवन भर तड़पती हैं। और एक तरह से धर्म परिवर्तन जो बच्चे होते हैं वो उस धर्म का होता है, बाकी बस ना हो किसी के साथ लालच दे के, प्रलोभन में शादी का लालच दे के। और इसलिए ये लव जिहाद के खिलाफ ये कानून लाए, जो भी गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 10 साल से ऊपर की सजा है, आजीवन सजा है, ताकि हमारी किसी भी धर्म की बेटी हो वो अपने धर्म के साथ रह सके, जी सके और सम्मान की जिंदगी जी सके, उसके साथ किसी तरह का प्रताड़ना ना हो, उसके साथ लालच और धोखा ना हो, उसके खिलाफ ये कानून लाया गया। महितपुर तहसील के गांव सेकाखेड़ी के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 व्यक्ति को मामूली चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अब कार को खाई से बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव सेकाखेड़ी के पास एक कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। राहगीरों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। पुलिस के अनुसार कार में सवार 2 लोगों को मामूली चोट आई है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश खाचरोद इकाई ने घर पहुंचकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सम्मान किया। खाचरोद नगर पालिका में अपनी 37 वर्ष की सेवा के उपरांत नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी को भूल गए, जिसने कोरोना काल में शहर की सेवा तन मन और धन से की। उन्हें खाचरोद जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश ने घर पहुंचकर सम्मानित किया। खाचरोद से सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रहलाद चंद दावरे को नगर पालिका सम्मान देना भूल गई। वहीं राजस्व अधिकारी नारायण सिंह यादव को सेवा समाप्ति पर सीएमओ स्वयं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ विदाई समारोह हारफूल मिठाई के साथ कर रहे थे, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रहलाद दावरे घर पर बैठे बुलावे का इंतजार करते रहे। जब इस बात की खबर पत्रकारों को लगी तो पत्रकार संगठन जम खाचरोद इकाई द्वारा बुजुर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारी के निवास पर पहुंचकर साफा बांधकर हार फूल पहनाकर स्वागत किया गया। प्रहलाद चंद्र दावरे से पूछा गया तो नम आंखों से देखा और गुमसुम हो गए और बोल नहीं पाए। ये कर्मचारी अपने घर बैठे अपमानित महसूस कर रहे थे। दावरे परिवार को हम सहानुभूति देते हैं कि हम जब भी आपके जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में खड़ेंगे। जंप परिवार, पत्रकार परिवार, पूरा खाचरोद परिवार आपके साथ में है, अपमानित इसको महसूस न करें। हाँ, यही बात नगर पालिका के द्वारा जो अपमान आपका हुआ है उसकी हम शिकायत आगे तक करेंगे। उज्जैन जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा 2 एवं 3 जनवरी को जिले के सभी खाद्य पदार्थ निर्माता एवं विक्रेताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट की रोकथाम एवं उनकी पहचान और उससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। शिविर के पहले दिन खाद्य पदार्थ जैसे कि मावा, नमकीन, मिठाई, डेयरी प्रोडक्ट एवं अन्य के निर्माताओं का प्रशिक्षण हुआ, जिन्हें मिलावट से बचने और इसकी जांच के उपाय बताए गए। इसी तरह 3 जनवरी को भी रिटेल कारोबारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पर जिला प्रशासन की चलित खाद्य प्रयोगशाला भी संचालित की गई, जिसमें खाद्य पदार्थ निर्माताओं ने अपने उत्पाद की जांच कराई। इस कार्यशाला में 100 से अधिक खाद्य पदार्थ निर्माताओं ने हिस्सा लिया। एक नया प्रयास ये कर रहे हैं कि जो खाद्य कारोबार करता है, चाहे निर्माता हो, थोक विक्रेता हो या खेरची विक्रेता हो, उनको कानून की भी जानकारियाँ हो, पैकेजिंग लेबलिंग के क्या क्या प्रावधान हो, क्या क्या नियम है,
इस तरह के समस्त प्रकार के जो शंकाएं समाधान व्यापारियों के मन में भी हैं, उन सबका समाधान हम आज यहाँ करने वाले हैं। इसी क्रम में हमने प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें आज हमने समस्त प्रकार के निर्माताओं का प्रशिक्षण आज रखा है। बाकी कल हम लोगों ने जो खेरची और थोक विक्रेता है उनका प्रशिक्षण रखा है कालिदास अकादमी में। 4 दिन पहले उज्जैन के बेरूखेड़ी के पास ट्रॉली पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे और 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना में गंभीर घायल महिला शामूबाई पति रतन सिंह चौहान का इलाज शहर के निजी अस्पताल में कराया जा रहा था। कल रात को इलाज के दौरान शामूबाई ने भी दम तोड़ दिया, जिनका शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। माधवनगर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंपा। गौरतलब है कि 4 दिन पहले बिसनखेड़ी से ट्रैक्टर ट्रॉली में 25 से अधिक लोग सवार होकर महितपुर के डेलवासा मामेरा की रसम करने जा रहे थे, तभी रास्ते में बेरूखेड़ी के पास ट्रॉली पलट जाने से कई लोग घायल हुए थे। ट्रॉली पलटी खाने से 2 तो एक्सपायरी हो गई उसी दिन, और मेरी बहन बड़ी वो अस्पताल में पाटीदार अस्पताल में एडमिट थी, आज रात में घायल तो 10-12 लोग। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।